हाँ साहब बताइए क्या लगाना है। अरे मुकुल तू यहाँ पर कैसे? मोनू तू यहाँ क्या कर रहा है? इतने टाइम के बाद मिल रहा है तू, कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू बता ना तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ यार, तू इतने टाइम बाद मिला है, कहाँ था इतने टाइम से? मुकुल कौन है ये? काजल, ये मेरे बचपन का दोस्त मोनू है, और मोनू ये काजल मेरी होने वाली वाइफ। नमस्ते भाभी। ओ हेलो, मुझे भाभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुकुल इसे समझा दो, रिश्ता रखना तो तुमसे रखे, मुझसे रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे फटीचरों के साथ ना रिश्ता नहीं रखती हूँ। काजल क्या बकवास कर रही हो तुम, वो मेरे बचपन का दोस्त है और तुम उससे कैसे बातें कर रही हो? मुकुल भाई छोड़ना ये सब बातें, तू ये बता तू यहाँ क्या करने आया है? कुछ नहीं मोनू, सुना है यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है तो सोचा चल के चाय पी लेता हूँ। अरे भाई वो तो मेरी दुकान है, मुझे थोड़ी पता था मेरी दुकान इतनी फेमस हो गई है, तू चल आना बैठ, मैं तुझे सबसे अच्छी स्पेशल वाली चाय पिलाऊंगा। लेकिन मोनू तेरी तो अच्छी खासी फैक्ट्री थी, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? हाँ यार बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था मेरा, लेकिन एक रात फैक्ट्री में अचानक ही आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेनदारों ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, सब अपने पैसे मांग रहे थे, तो जो कंपनी की गाड़ियाँ थी ऑफिस थे सब बेचकर उन्हें दे दिया, कुछ पैसे बचे तो उससे दुकान डाल ली, अपना गुजारा भी तो चलाना था ना, तो बस इसी से चलता है मेरा गुजारा भी। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने अपने भाई को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? बस यार उस समय दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं, जैसे जैसे रास्ता मिलता गया मैं आगे बढ़ता चला गया। खैर हम ये सब क्या बात कर रहे हैं, तू भाभी जी को लेकर आया, तू बैठना मैं तेरे लिए स्पेशल वाली चाय बनाता हूँ। मुकुल मुझे नहीं जाना इसकी दुकान में, चलो घर चलो। चलो तो यार। तुम दोनों बैठो यहाँ पर। ऐसी भी क्या दोस्ती है जो उस फटीचर के चक्कर में ना मुझे सुनाए जा रहे हो? ये ना मेरा दोस्त है और दोस्ती ना ऐसी ही होती है, और जो एहसान इसने मेरे ऊपर कर रखे है ना वो एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। अब तू ही बता यार मोनू मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ। तो यार तू परेशान क्यों हो रहा है, तू अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट करता? यार कैसे स्टार्ट कर लूँ अपना काम, काम स्टार्ट करने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे मुझ पे है नहीं, और ना घर वालों पे भी पैसे नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ये ले रख इसे और अपना काम शुरू कर, और पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बता दियो, मेरे पास है मैं दे दूंगा अभी। लेकिन भाई मेरे पास अभी कोई काम नहीं है तो ये तेरे पैसे कैसे वापस करूंगा मैं? तेरे से कहा मैंने लौटाने के लिए, तू इन पैसों को रख और काम स्टार्ट कर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू अपना पूरा काम पहले जैसा जमा लेगा, और वैसे भी दोस्ती यारी में ना पैसे लौटाने वाली कोई बात नहीं होती, और तुझे किसने कहा तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, ठीक है? रख इन पैसों को और जल्दी से काम शुरू कर दे। थैंक यू भाई, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाई भी बोल रहा है और ऊपर से थैंक यू भी, तू इन सबको छोड़ और नए काम की शुरुआत कर, सोच मत ज्यादा, और तुझे और पैसे चाहिए होंगे ना तो मांग लियो, अभी है मेरे पास मैं तुझे दे दूंगा। जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे ना तब इसने मेरी मदद की थी और इसने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जब ये मेरे बुरे वक्त में काम आया था तो मैं इसके बुरे वक्त में इसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन मुकुल। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने ना फैसला कर लिया है कि मैं इससे बात करूंगा और इसका नया काम स्टार्ट करवाऊंगा। अरे यही तो होती है दोस्ती, जब एक दोस्त नीचे गिर रहा होता है ना तो दूसरा दोस्त उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाता है। देखो तुम्हें इससे बात करना पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं तुम मत करो, लेकिन प्लीज मेरे लिए तो चुप रह सकती हो ना। मोनो कितना टाइम और लगेगा? मुकुल भाई बस 2 मिनट, आपके लिए अच्छी वाली चाय बना रहा हूँ अदरक इलायची सब डाल के। अच्छा भैया सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी, प्लीज मुझे माफ कर देना। कैसी बात कर रही हो आप भाभी, भाभी की बात का ही भला कोई बुरा मानता है? अरे मेरी दुकान भी है। अरे मोनू बैठ ना मेरे साथ, इतने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, थोड़ा टाइम तो अपने दोस्त के साथ भी बिताना, चल चाय पी ले।